तो हे गाइस, वेलकम टू अनबॉक्स चैनल। आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme का नेक्स्ट लॉन्चिंग स्मार्टफोन के बारे में, जिसके अंदर आपको MediaTek Helio P70 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन ना ही होने वाला है Realme 3, ना ही होने वाला है Realme C2। तो ये स्मार्टफोन क्या होने वाला है, इसका डिजाइन कैसा होने वाला है, क्या आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, क्या स्मार्टफोन बजट सेगमेंट के अंदर लॉन्च होगा, तो सभी के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। एंड जो स्मार्टफोन होने वाला है, इसका नाम होने वाला है Realme E1। तो एक अलग ही सीरीज है Realme के डिवाइस से। तो इस स्मार्टफोन में आपको कुछ नया नया फीचर देखने को मिलेगा, जैसा कि इसका कस्टम या कलर वाइज नहीं होगा, आपको देखने को मिलेगा क्यूरियस ओएस, जो कलर वाइज का बाग होता है Realme के डिवाइस में, जो थोड़ा बहुत लैग भी करता है। तो क्यूरियस ओएस में आपको सभी कुछ फिक्स देखने को मिलेगा, कोई भी आपको बाग देखने को नहीं मिलेगा, लैग परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल जो कस्टम ईयर होता है, आपको बहुत ही स्मूथ एंड यूजर एक्सपीरियंस आपको बहुत ही क्लीन देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस फोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में, प्राइस के बारे में एंड इसका लॉन्चिंग डेट के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डिजाइन की बात करूं तो इस स्मार्टफोन का जो डिजाइन होने वाला है, आपको एस सिमिलर देखने को मिलेगा Realme 2 Pro से, क्योंकि फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप टाइप नॉच सेटअप देखने को मिलेगा, नॉच के ऊपर में ईयरपीस देखने को मिलेगा, एच क्यू सेंसर वगैरह देखने को मिलेगा। बैक साइड में आपको देखने को मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप, तो आपको कोई भी ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड में देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ आपको मिलेगा डुअल टोन LED फ्लैश। फ्रंट में आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, बट ये जो फोन होने वाला आपको सेल्फी सेंट्रिक मोबाइल फोन देखने को मिलेगा। तो फ्रंट कैमरा आपको बहुत ही बम्पर देखने को मिलेगा, एंड जो फ्रंट कैमरा का क्वालिटी होगा आपको क्लीन एंड जो क्लैरिटी होगा बहुत ही बेटर आपको देखने को मिलेगा। साइड में आपको वॉल्यूम लॉकर पावर बटन देखने को मिलेगा, एंड लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, एंड 3.5mm ऑडियो हेडफोन जैक शायद से इस फोन में आपको देखने को ना मिले। बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो इस फोन का जो बिल्ड क्वालिटी होने वाला, आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगा, आपको कोई भी मेटल का यूज देखने को नहीं मिलेगा, तो बिल्ड क्वालिटी में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डिस्प्ले की बात करो तो आपको इस स्मार्टफोन में थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 6.2 इंच फुल HD प्लस IPS LCD पैनल, कोई भी आपको OLED पैनल देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मार्टफोन बजट सेगमेंट के अंदर लॉन्च होगा। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करो, डिस्प्ले क्वालिटी आपको एस सिमिलर देखने को मिलेगा Realme 2 Pro डिवाइस से, तो आपको डिस्प्ले का कलर रिप्रोडक्शन क्लैरिटी बहुत ही बेटर आपको देखने को मिलेगा। अब बात करो इसका प्रोसेसर, जो कि सभी के मन में डाउट था MediaTek Helio P70 किस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा MediaTek का लेटेस्ट प्रोसेसर, जो कि है MediaTek Helio P70। एंड ये जो प्रोसेसर है, एक मिड रेंज प्रोसेसर है, जिसका परफॉर्मेंस आपको बहुत ही बेटर देखने को मिलेगा। 30% बूस्ट परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको बहुत ही फास्ट स्पीड प्रोवाइड करेगा, एंड यूजर एक्सपीरियंस आपको बहुत ही स्मूथ देगा, कोई भी आपको लैग परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, हीटिंग इश्यू आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। एंड ये जो प्रोसेसर है, एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जिसका प्राइमरी क्लॉक फ्रीक्वेंसी है 2.1 GHz, जो कि बेस्ड ऑन ARM Cortex A73 डिजाइन, एंड सेकेंडरी क्लॉक फ्रीक्वेंसी 2 GHz, जो कि बेस्ड ऑन ARM Cortex A53 डिजाइन के ऊपर। तो परफॉर्मेंस आप सोच सकते हो कितना बढ़िया आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। एंड इस प्रोसेसर में AI को और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया है, तो फेस अनलॉक, AI ब्यूटिफिकेशन मोड, सभी कुछ आपको बढ़िया बढ़िया देखने को मिलेगा। और GPU की बात करो तो MediaTek Helio P70 में आपको देखने को मिलेगा ARM Mali G72 MP3 GPU, जिसका मैक फ्रीक्वेंसी 900 MHz। तो गेमिंग के मामले में आपको थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर MediaTek Helio P60। उसके साथ आपको बैटरी परफॉर्मेंस बेटर देखने को मिलेगा, सभी कुछ आपको बेटर देखने को मिलेगा, हीटिंग इशू आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा। आप बात करो कैमरा सेटअप की, तो बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि 24 MP प्लस 16 MP का। 16 MP का जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है, उसके मदद से आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से बोके इफेक्ट, पोर्ट्रेट मोड कैप्चर कर पाओगे। एंड 24 MP का जो कैमरा है, उसके साथ आपको AI फीचर, HDR मोड, सभी कुछ देखने को मिलता है। फोन में जो कैमरा है, आपको बहुत ही बढ़िया कैमरा क्वालिटी देखने को मिलेगा, जो कि हो सकता है 24 MP का, उसके साथ आपको AI फीचर वगैरह देखने को मिलेगा। फ्रंट कैमरा से आप 1080 पिक्सल वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो 60 FPS पर, एंड बैक कैमरा से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो भी 30 FPS पर। तो कैमरा के मामले में Realme U1 होने वाला है बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन, जिसके अंदर आपको स्पीड देखने को मिलेगा, परफॉर्मेंस बेटर आपको देखने को मिलेगा, कैमरा फीचर में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, कस्टम UI में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, सभी कुछ आपको बेटर देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाला है, एंड्रॉइड 9.0 यानी कि लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्सन से रन करेगा।
कैनकास्टो में आपको क्यूरियस ओएस ऑन टॉप देखने को मिलेगा। तो ये स्मार्टफोन होने वाला एक तरह से छोटा पैकेट बड़ा धमाका। एंड स्मार्टफोन में दो रैम वेरियंट देखने को मिलेगा जो की 4GB रैम एंड 6GB रैम। इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं आपको किया इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से लगता है 64GB का जो इंटरनल स्टोरेज आएगा वो 4GB रैम के ऊपर एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज आएगा जो है 6GB रैम के ऊपर। अब बात की उसका प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो इस स्मार्टफोन का जो प्राइस होने वाला है आपको बहुत ही कम कीमत में स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि 12,000 टू 15,000 के अंदर स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। एंड जो लॉन्चिंग डेट आपको नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट में देखने को मिल सकता है स्मार्टफोन। तो यही है रियलमी U1 के बारे में सब कुछ। मुझे लगता है आपका सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए। आपका और भी कुछ डाउट है नीचे कमेंट करो यार। एंड ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कॉमेंट करना मत भूलना एंड शेयर भी कर देना। एंड आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो जाके सब्सक्राइब करो एंड बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको भी टैप कर दो। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।